ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम महान आत्माएं हैं, हमारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। सारा संसार हमारी सकाश की सच्चे दिल से इंतजार कर रहा है। हमें अपने बोल के द्वारा भी सभी को वरदान देना है, क्योंकि हम इष्ट देव देवियां हैं। हमारे वरदानी बोल सभी को विघ्नों से मुक्त करेंगे। हमारे वरदानी बोल सभी के दुख हरेंगे, सभी को महान बनाएंगे, उन्हें उनकी मंजिल दिखाएंगे। वरदानी बोल बोलने के लिए हमें अपने बोल पर बहुत संयम होना चाहिए। मौन तो कोई भी व्यक्ति रख सकता है, पर संयमित बोल बोलना उससे भी महान बात है। यद्यपि कहा ये जाता है, साइलेंस इज गोल्ड एंड स्पीच इज सिल्वर, बट अगर संयमित बोल हैं तो वो डायमंड के समान हैं। बाबा कहा करते थे, तुम्हारा ऐसा अभ्यास हो, तुम ऐसे अंतर्मुखी हो जाओ कि जहाँ 50 बोल बोल कर कोई कार्य कराना हो, वहाँ केवल 5 बोल से काम चले। ये विवेकशीलता भी है, ये बहुत बड़ा संयम भी है, और ये अपनी वाचा पर बहुत बड़ा कंट्रोल भी है। जिनका वाचा पर कंट्रोल हो जाता है, उन्हें ही वाचा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्थात वे जो भी बोल बोलेंगे वो सत्य होगा, वो सिद्ध होगा, वो सफल होगा। ऐसी महान सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें योग अभ्यास भी बहुत करना चाहिए, क्योंकि योग अभ्यास का रस जब आत्मा को प्राप्त हो जाता है तो उसे बोलने की इच्छा ही नहीं होती। यदि हम निरंतर योग युक्त रहने लगे तो हमारी वाणी भी पूरी अव्यक्त हो जाती है, हम जोर से भी नहीं बोल पाते। तो आइए आज सारा दिन ध्यान दें, हमें वाचा को संयमित करना है और योग युक्त होकर सारे संसार को सकाश देनी है। सवेरे के समय तो विशेष रूप से सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से वरदान भी प्राप्त करने हैं। इतना सुंदर समय है, ये वरदान केवल एक ही बार मिलते हैं। भक्ति में इन्हीं के लिए हम बहुत बहुत बड़ी साधनाएं किया करते थे, और अब ये हमारा अधिकार बन गया है। तो बाबा से इस अधिकार को प्राप्त करें, क्योंकि वरदान लेने से हम विश्व का बहुत अधिक कल्याण कर सकते हैं। तो समय का संपूर्ण फायदा उठाएं, ऐसा ना हो हमारा ये अनमोल समय व्यर्थ में गुजर रहा हो, उलझनों में गुजर रहा हो, मोह ममता में गुजर रहा हो। ये तो जन्म जन्म चलता आया, अब ईश्वरीय आनंदों से स्वयं को भरपूर करना है। तो आज हर घंटे में एक बार हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे और बाप दादा के डिवाइन स्वरूप का अवलोकन करेंगे। देखें आप अभी सूक्ष्म लोक में बाबा, मस्तक में महाज्योति चमक रही है और बाबा के अंग अंग से लाइट फैल रही है। ये बहुत तेजस्वी स्वरूप, और बाबा ने फिर वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और दृष्टि देकर वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। और हम स्वीकार कर लें कि वरदाता बाप से ये श्रेष्ठ वरदान मुझे मिल गया है। आज
बार बार वरदान लेंगे, हर घंटे में सूक्ष्म लोक में जाकर ज्ञान सूर्य को निहार कर उनसे दृष्टि लेंगे और संसार को दृष्टि देंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।